बोरागढ़ सीआईएसएफ कैंप के समीप सुरेंद्र कॉलोनी स्थित घने जंगल में बनाए जाने को लेकर क्षेत्र का निरीक्षण करने धनबाद नगर निगम और रेमकी कंपनी के अधिकारी बोरागढ़ पहुंचे। अधिकारियों के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने नगर निगम द्वारा डंपिंग करने वाले चिन्हित स्थान पर पहुंचकर देखा कि डंपिंग यार्ड बनाए जाने का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों की धनबाद नगर निगम के अधिकारियों से तीखी बहस होनी शुरू हुई। मामला बढ़ता देख नगर निगम के अधिकारियों ने अपने वरीय अधिकारियों को मामले की सूचना दी, जिसके बाद अपर नगर आयुक्त महेश्वर महतो, सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार बोरागढ़ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। अपर नगर आयुक्त महेश्वर महतो ने कहा कि जिस जगह को नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना है, यहाँ सिर्फ कचड़ों का डंपिंग यार्ड नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि 76 करोड़ रुपये की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है, जिसमें कचड़ों को डंप कर प्रोसेसिंग यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। इस दौरान मजदूरों की भी आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं रोजगार भी उपलब्ध होगा। झारखंड के रांची में पहला प्लांट प्रस्तावित है, वहीं दूसरा झरिया में बनाया जाएगा। इसके लिए डोर टू डोर उठाए जाने वाले कचड़ों को यहाँ डंप कर प्रोसेस किया जाना है। यही सभी बातों को समझाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। वहीं नगर निगम के वरीय अधिकारियों के समझाने के बावजूद स्थानीय लोग इसका खुलकर विरोध करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि आसपास की कॉलोनियां हैं घनी आबादी के बीच, नगर निगम द्वारा कचड़ों को डंप करने नहीं दिया जाएगा। बगल में ही बीसीसीएल का मैगजीन हाउस है, कचड़ों में अगर आग लग गई तो जान माल का नुकसान होने की भी आशंका है। घने जंगलों को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, नगर निगम को कोई दूसरी जगह चिन्हित करनी चाहिए। ये भूमि जो है जीएम लैंड है, जिसमें नगर निगम को हस्तांतरण किया जाना है, और इस पर हमारा जो है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ प्रोजेक्ट लगना है, और उसमें जो कचरा का प्रबंधन होता है एक प्रोसेसिंग यूनिट में वो किया जाएगा, और जो आपको कचरा डोर टू डोर हम लोग उठाव करते हैं उसका निष्पादन भी यहीं किया जाना है। तो इसी के तहत ये लोग कह रहे हैं कि पहले प्लांट लगाइए, उसके बाद में आप लोग जो है जो कचरा है डोर टू डोर उठाव किया जा रहा है उसको यहाँ लेके आइए, यही मूल रूप से विरोध है। सर, कुल कितने बजट का प्लांट है यहाँ पे लग रहा है और क्या कुछ फ़ायदा होगा स्थानीय लोगों को? ये 76 करोड़ में यहाँ का प्लांट बनना है, और जो प्लांट बनेगा उसमें स्वाभाविक है कि जो लेबर्स की आवश्यकता होगी तो यहाँ के स्थानीय ही रहेंगे उसमें। स्थानीय से क्या वार्ता हुआ, मैंने क्या उन लोगों को यही समझाया जा रहा है कि जब तक हम यहाँ प्लांट बना रहे हैं साथ ही साथ हम डंपिंग भी यहाँ पर करना चाहते हैं, जिससे कि वही जो डंप किया हुआ हमारा कचरा रहेगा जिसका प्रबंधन हम प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से करेंगे। मेन वजह से कचरा डंप यहाँ पर भी किया डंपिंग के लिए ही किया जा रहा है। तो सर, कचरा डंप मतलब प्लांट से क्या कुछ उसमें बनाया जाएगा सर? उसके लिए तो टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। प्लांट क्या झारखंड में? झारखंड में अभी एक रांची में प्रस्तावित है, और उसके बाद में हमारा ये धनबाद दूसरा होगा। सर, ये इसके अतिरिक्त जो अन्य अगर आप शहरों में देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पर है, इंदौर में है, आपको हैदराबाद में है। कब तक ये प्लांट बनकर तैयार है? ये इसका कुल जो ड्यूरेशन है वो 18 महीने का है। सर, ये पूरा एरिया सर जंगल है, पेड़ पौधे काफ़ी लगा हुआ। वो सारा जो है हम लोग एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के बाद ही यहाँ पर हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे। अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता है तो उसमें हम लोग फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। सर, स्थानीय जो समिति बनी पहले माने काम हो जाए उसके बाद विचार करेंगे, फिर से हम लोग बात करेंगे लोगों से। मैं अपर नगर आयुक्त हूँ। भैया, पहले ये बताइए कौन सा जगह और आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बोरागढ़ क्षेत्र है सर, और चारों तरफ से यहाँ पर कॉलोनी बसी हुई है, और इस कॉलोनी के बीच में नगर निगम सर कचरे का डंपयार्ड बना रहा है। क्या ये उचित है? पब्लिक के बीच में सर कचरा का डंपयार्ड बनाना कहाँ तक उचित है सर? यहाँ पर 200-200 मीटर पर सर कॉलोनी बसी हुई है सर, और ये बीच में डंपयार्ड बना रहे हैं। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं सर कि बहुत सारा क्षेत्र खाली है, नगर निगम के पास बहुत सारा क्षेत्र है। हम लोग आग्रह करते हैं नगर निगम से कि ये अपना डंप यार्ड कहीं और बनाए, यहाँ पर जनसंख्या रहती है, और मैगजीन हाउस भी यहाँ पर है सर बीसीसीएल का, जिसमें यहाँ पर आग से इतना मैगजीन को दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर डंप यार्ड बनाया जा रहा है सर, उसमें आग नहीं लगेगी सर? क्या इस तरह का घटना नहीं घट सकती है? भयावह घटना घट सकती है सर भविष्य में। तो अभी आप लोग विरोध कर रहे हैं क्या? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं सर, और कुछ मांग कर हम लोग मांग करते हैं कि यह डंप यार्ड अपना कहीं और बनाएं। जी, क्या नाम है भैया आपका?
नाम सर पब्लिक नगर निगम है। वो तो मेरा भाई।